हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो हम बताएंगे कि जो भी लोग परेशान हैं कि मेरा 22 से 23 क्या होगा, तो उन सारे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कितना दिन और वेट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि रिजल्ट भी कितने दिनों के बाद आया, तो आपको भी जो है थोड़ा दिन सब्र और करना चाहिए, क्योंकि घबराने से तो चीज़ें आपका सही होगा नहीं। अगर आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके बात को काउंसिल जो है सुन रहा है और जो है आपको सिचुएशन को देखकर वह जो है सब चीज़ सही कर देगा, ऐसा तो है नहीं। जो लोग रिजल्ट के लिए इतना घबरा रहे थे, तो उन लोगों को भी जो है घबराने से कुछ नहीं हुआ, जब देना था तभी दिया, कोर्ट के ऑर्डर हुआ। तो उसी तौर पर अगर आप लोगों को होना भी होगा 2022 से 23 में इनरोलमेंट, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एग्ज़ाम, तो होगा, लेकिन वह अपने समय से होगा। आपके घबराने से या हमारे कुछ कर देने से जो है चीज़ें सही होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, काउंसिल को ये बात ज़रूर समझना चाहिए कि इस पर अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर कर देना चाहिए, अपनी बात को क्लियर कट कर देना चाहिए कि आखिर 22 से 23 सेशन है तो क्या यह जीरो ईयर है, कुछ नहीं होगा, या फिर होगा तो इसके लिए कुछ ज़रूर जो है उसका अपना स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार, अब ये चल रहा है फरवरी शुरू हो गया, अभी तक इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे इनरोलमेंट नहीं हुआ है, इनरोलमेंट सभी जगह हो चुका है। अब वहाँ पे एग्ज़ाम का भी तैयारी दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो काउंसिल को अपना जो है कम से कम स्टैंड क्लियर करके चलना चाहिए कि हाँ, हम 22 से 23 का किसी भी हालत पर एग्ज़ाम लेंगे। तो कम से कम स्टूडेंट को ये सांत्वना मिल जाता कि चलो भाई, मेरे एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होंगे। लेकिन काउंसिल के तरफ से कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। इतना दिन होने के बाद शुरू में जो कैंसिल होने वाला था, कैंसिल होने से पहले ही जो है निकाला गया डेट कि इनरोलमेंट होगा 22 से 23 का, और फिर कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद जाँच वगैरह चलने लगा। तो वहाँ पे जब ये चीज़ें रिजल्ट के लिए प्रोसेस में आया, तो काउंसिल को ये भी चीज़ क्लियर करना चाहिए कि हाँ, 22 से 23 का सेशन जीरो हो गया है, कुछ नहीं होगा, या फिर होगा, समय लगेगा, कोर्ट के निर्देशानुसार जो है आगे कुछ जैसा होगा किया जाएगा। ये स्टैंड अपना क्लियर कर देना चाहिए अभी, क्योंकि कैंसिल हुआ, जून में कैंसिल हुआ, और अभी फरवरी चल रहा है, 8-10 महीना होने को है, और अभी तक काउंसिल के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं काउंसिल को जो है इस पर अपनी बातों को रखना चाहिए, ताकि स्टूडेंट घबराए नहीं। स्टूडेंट बहुत लोग हमारे वीडियो, कल के वीडियो बनाने से बहुत सारे लोग और जो है इसके प्रति एक्टिव हो गए हैं, वो अपने कॉलेज में बात भी कर रहे हैं। लेकिन काउंसिल को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए ना कि हाँ, हम आपका एग्ज़ाम हर हाल में लेंगे ही लेंगे, या फिर नहीं लेंगे, 22 से 23 नहीं होगा। तो एक क्लियर करना चाहिए ना, और क्लियर करना चाहिए तो स्टूडेंट का लाइफ है, बताना चाहिए कि जो लोग एडमिशन ले चुका है उसका जो है क्या होगा। तो काउंसिल कान में तेल धके नहीं बैठ सकते हैं, हजारों हजार स्टूडेंट की सवाल है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो है, आप लोग का जो है समय थोड़ा सा बर्बाद होगा, लेकिन ये सारा चीज़ जो है प्रोसेस में जो है काउंसिल फिर से फंसेगा। अगर वो एग्ज़ाम नहीं लेता है और ये जियो कर देता है, तो वह फिर से जो है यहाँ पे फंसने वाला है काउंसिल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम एडमिशन ले चुके हैं और उनका साल भर खराब जा चुका है। तो इस हिसाब से आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 तारीख को क्या अपडेट आ रहा है कोर्ट में, 5 तारीख को 5 फरवरी के सुनवाई है, वहाँ पर क्या कुछ निकल के आता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, फिर आप लोग जो है कीजिएगा। और समझिए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, घबराना कोई नहीं है। घबराने से ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सोचने वाली बात है, क्योंकि फरवरी आ गया, इनरोलमेंट तक नहीं हुआ है, और नहीं MPNRC अपना जो है स्टैंड को क्लियर कर पा रही है कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे स्टूडेंट में सस्पेंशन बना हुआ है कि मेरा क्या होगा, 22 से 23 का क्या नहीं होगा, समझ गए। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा, घबराना नहीं है, कोर्ट के निर्णय देखिए कि कोर्ट क्या निर्णय दे रही है, और उसके बाद काउंसिल क्या कर रही है, ये चीज़ें आपको 1 महीना वेट करना चाहिए। 1 महीना में सारा चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं।
एक महीना में सारा जो है पिक्चर आपके सामने में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है सेशन 22 से 23 आगे बढ़ेगा या 22 से 23 का नहीं कुछ होगा। तो एक महीना आपको और वेट करना चाहिए, 5 तारीख को सुनवाई है, 5 को क्लियर हो जाता है तो ठीक है कि आपका सेशन हो आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। PNST का भी एग्जाम रिजल्ट फंसा हुआ है, BSc नर्सिंग तो आप अभी फंसे हैं ना, BSc नर्सिंग 2019-20 में जो एग्जाम एडमिशन लिए हैं उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट जो 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं MP में, घबराना आपको नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि घबराने से टेंशन लेने से आपके बात को कोई सुन नहीं रहा है, कोई आपके देख कर सही चीज़ें नहीं कर देगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, छोड़ दीजिए, जैसे ऑर्डर जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ये सारा चीज़ें सही होगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस मैटर पर काउंसिल को जो है सोचना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपडेट देना चाहिए कि हाँ आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर कोर्ट के अधीन है ये उसको अपडेट देना चाहिए, क्योंकि जो इनरोलमेंट कैंसिल हुआ था वह बहुत दिन हो चुका है, तो उसके बाद जो है कोई अपडेट नहीं दिया गया है 22 से 23 सेशन का। तो इस पर स्टैंड जो है MP NRC को क्लियर करके चलना चाहिए, वरना स्टूडेंट के साथ में ऐसे खिलवाड़ करना बहुत बड़ा जो है गलत है, नहीं करना चाहिए। और देखिए क्या हो रहा है, पता चल जाएगा, जैसे रिजल्ट वालों का सब चीज़ क्लियर हो गया, ऑर्डर आ गया, वैसे हो सकता है 2022 से 23 वालों का भी जो है कोर्ट से कुछ आ जाए निर्णय, तो हो सके कि आपका सब चीज़ जो है हो सकता है। बाकी मैं पुनः कहना चाहता हूँ, MP NRC को इस पर अपना जो है पक्ष रखना चाहिए स्टूडेंट के सामने में कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा सेशन 22 से 23 कि नहीं, ये चीज़ें बताना चाहिए स्टूडेंट में। ऐसे प्रतीक्षा, इतना प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, साल भर लेट ऐसे भी हो चुका है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो बाकी आप लोग से मैं यही गुजारिश करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, माइंड में इस बात को मत चलाइए कि मेरा 22 से 23 सेशन जीरो हो गया है, जीरो अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कम्प्लीटली, ना मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपका सेशन जीरो कम्प्लीटली हो गया है, ना आज कह रहे हैं कि सेशन जीरो हो गया है। यह सब काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है कि काउंसिल जो है क्या सोच रही है और कोर्ट जो है क्या बता रही है। तो आप लोग आगे देखिए क्या होने वाला है, जैसे होगा मैं बताऊंगा, आप लोग को धैर्य रखना है, यही धैर्य की परीक्षा है। जब आप GNM पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धैर्य नर्स का एक क्वालिटी होता है, पेशेंस रखना, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो भी होगा मैं बताऊंगा। फिर से कहते हैं जीरो सेशन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए, तो नहीं हुआ है ऑफिशियल, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, 2 महीने में इनरोलमेंट हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे, और ऐसे भी तो एग्ज़ाम जो है मई जून में होता ही है, साल भर लेट होता ही है, तो क्या बड़ी बात है, अभी भी चीज़ें हो सकता है एग्ज़ाम, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।